subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button. टैग टीवी कनाडा अमेरिका की जानिब से कश्मीर न्यूज एंड व्यूज बुलेटिन। Badru Nisab Bhatt, a resident of Srinagar city in Jammu and Kashmir, has chosen an offbeat and peaceful method of expressing her solidarity with religion in general and Sufism in particular. The 20-year-old is using her painting skills to express her Sufi thoughts. Bhatt credits her grandfather for introducing her to Sufism. बचपन से जैसे हम दादू अपने साथ बिठाते थे, हम सारे सिबलिंग्स को स्टोरी सुनाते थे प्रॉफिट्स वगैरह की, तो हमें वो मसनवी की लाइनें सुनाते थे। तो मौलाना रूम की है मसनवी लिखी गई, पर्शियन में बुक है, तो मैं बहुत इंस्पायर होती गई। पहले तो समझ नहीं आता था कि क्या हो रहा है, तो ग्रेजुअली 8th स्टैंडर्ड से मैंने जब सूफीज़म के बारे में मतलब मैं गई वहाँ पर, देखा कि क्या है ये बेसिकली सूफीज़म क्या, और वैसे भी कश्मीर को कहा जाता है फिरवर, सो वी हैव सो मेनी सूफीज़ टू स्टडी कि कम पड़ जाएगा, जिंदगी कम पड़ जाएगी, पर उन सूफियों को नहीं पढ़ पाएंगे जिन्होंने इतना काम किया है इस्लाम के लिए। Bhatt began making paintings at a very young age. She started with whirling dervishes, a customary meditation practice performed in a worship ceremony in which dervishes, that is Sufi saints, aim to reach the source of all perfection. She got inspired by the ideology of the dervishes who whirl with their right hand held open and up so as to receive grace from Allah and the left hand facing downwards towards the earth so as to give that grace and light to the world. She started portraying this ideology in her paintings. But the main focus of Bhatt is on the subject of Sufi women who are very less talked about in the contemporary Sufi art. फिर सूफीज़म में एक बहुत लेस टॉक्ड अबाउट सब्जेक्ट है सूफी विमेन, मैं उस पर ज़्यादा फोकस कर रही हूँ, क्योंकि जब मैंने मटेरियल में पढ़ती हूँ सूफीज़म के बारे में, तो मैंने सोचा कुछ मटेरियल ढूंढूँ तो उससे मैं इंस्पायर हो कि कुछ पेंटिंग्स पेंट कर सकूँ। तो मैंने जब ढूंढने की कोशिश की तो कश्मीर में ललदेद मिलते हैं, हब्बा खातून का जिक्र होता है, हब्बा खातून तो उतनी सूफी इस पर नहीं है, तो अरनमाल का, और बहुत कम सुना होगा लोगों ने अरनमाल का, है वो एक और है भवानी समथिंग, तो उनका भी बहुत कॉन्ट्रीब्यूशन है टूवर्ड सूफीज्म जो बहुत लेस टॉक्ड अबाउट सब्जेक्ट है। इवन अगर मैं यूनिवर्सली देखूं मिडिल ईस्ट में, तो हमें राबिया अल बसरी का बहुत सुनने को मिलता है कि वो एक बहुत अच्छी सूफी सेंट गुजरी है। अच्छा, फातिमा निशापुरी, इवन जो बहुत बड़े ऊंचे शेख और मुरीद मुर्शिद रह चुके थे, उनकी शेख और मशाइख सूफी लेडीज रह चुकी, जैसे जुन्नून मिस्री हैं, उनकी फातिमा निशापुरी ऑफ मक्का उनकी मुर्शिद रह चुकी, उनसे सीखा है उन्होंने, तो उनका मतलब बहुत कंट्रीब्यूशन है, बट यूजुअली विमेन वेल्ड रहते हैं तो वो ज्यादा सामने आती नहीं है, बट मैं उनका कंट्रीब्यूशन दिखाना चाहती हूँ। Bhatt has participated in several painting competitions such as Kashmir Art Quest, Ramzan Art Expression and many more, and has thus won several awards as well.
Her paintings have also been exhibited in Turkey and Australia, and major exhibitions are on the cards in the coming days. Bhatt is thankful to her parents and teachers for all their support and encouragement. वो एक कोट है, कहते हैं कि इंडीड एंड सेल्फ टॉट आर्टिस्ट इज टॉट बाय एन इग्नोरेंट पर्सन. तो मैं तो खुद इग्नोरेंट थी, बट ग्रेजुअली मेहनत की, मतलब ऑनलाइन हेल्प मिलती है, वीडियोज हैं वगैरह, और टीचर्स मेरे अभी भी असरार से मैं कभी भी कह दूं तो हेल्प कर देते हैं. तो बेसिक नीड्स मतलब मेरे क्लियर हो गए उससे, और फैमिली ने काफी सपोर्ट किया. यूजुअली नहीं करते हैं, आर्ट बच्चों का खेल है, बट मेरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया. मतलब माई डैड, उनसे कह दूँ कैनवस लाने हैं, कलर्स लाने हैं, तो वो ला के दे देते हैं, और खुद भी मैंने इस पे मेहनत की तो तभी जाके ये हासिल हुआ. The way Bhatt is expressing her Sufi thoughts through her artworks is really laudable. She has turned out an inspiration for the people who have a different perspective of looking into the world and just want to spread love and peace through their work. मैं तो जोगी बन के आया तेरे द्वार भोलेनाथ, मैं तो जोगी बन के आया तेरे द्वार भोलेनाथ, आया डम 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 रुके साथ भोलेनाथ. Having composed and released 20 albums consisting of bhajans and songs, Sohil Baloch is now set to melt his listeners' heart with his latest bhajan composition dedicated to Lord Shiva. Hailing from Rajkot city of Gujarat, Sohil, though belongs to a Muslim family, has been brought up on bhajans, which today have become his passion. For his latest composition, he not just broke the religious barriers, but even the territorial ones by including in it the tabla performance of the Pakistani musician Wajid Ali Tafu. The melodious rendition of the duo is not just meant to evoke devotion among people, but also spread the message of peace and harmony among different faiths. पहले तो मैं ये बात कहना चाहूँगा कि कलाकारों की कोई जात ही नहीं होती. संगीत एक जात है, मैं ऐसा मानता हूँ. महादेव का गाना मैंने कंपोज किया, रिकम्पोज किया, तब 138 टेम्पो पर मैंने ये कंपोज किया. अब उसको बजाने वाला कोई मंजा हुआ कलाकार ही चाहिए. तो वाजिद अली खान साहब, जो पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है, तो मैंने सोचा कि वो इस ट्रैक के लिए हाँ बोले कि नहीं. फेसबुक के माध्यम से मैंने उनको बोला कि खान साहब, मैंने ये कंपोज किया है, तो मेरी इसी ख्वाहिश है कि आप बजाओ. तो मैं थोड़ा हिचकिचा रहा था कि ये महादेव का गाना है और खान साहब मुझे हाँ बोलेंगे कि नहीं, क्योंकि हम जानते नहीं, मैं हिंदुस्तान में हूँ, वो पाकिस्तान में. तो खान साहब ने बोला कि आप मुझे भेजो. मैंने ट्रैक भेजा और खान साहब बहुत खुश हुए. उन्होंने बोला कि मैं बजाऊँगा, और सिर्फ तबला बजाने की पहले बात थी. फिर उनका भतीजा है अरबाज ताफू, पूरा गाना उन्होंने ईमेल थ्रू मुझे भेज दिया, और यहाँ से अब मैं फाइनल सिंगिंग करने वाला हूँ. Inspired by his father and elder sister to take up music as his career, the 30-year-old has also worked with famous Indian playback singer Anuradha Podwal. A music teacher in school, Sohil has also composed and sung a number of bhajans dedicated to various Hindu gods like Ganesha, Swami Narayan, and many more. Hardik Mehta, in whose studio Sohil has composed his latest bhajan, feels fortunate to be a part of it. मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि ये मेरे स्टूडियो में रिकॉर्ड हुआ है, गुजरात में, राजकोट में. तो आई एम वेरी लकी फॉर दैट. और वाजिद अली तापू खान साहब, जो तबला के बड़े माइलस्टोन लाइन लेजेंड कहे जाते हैं, और इंडिया के सब प्लेयर उनको बहुत प्यार और इज्जत देते हैं, उनके द्वारा इस तबले में हमारी खुश नसीबी है कि ये गाने में उन्होंने रिदम दिए, क्योंकि 138 यानी कि 138 BPM में, जो बहुत हाई रेटेड टेम्पो है, उसमें बजाया है, तो वो बड़ी बात है हमारे लिए.
Sohil, by way of his music and singing, is not just showcasing his respect to the beliefs of other community, but is also becoming a medium to unite two faiths. Dum 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 ro apne saath bole na.